जिसने खून के आंसू बहाए हैं, वो इमाम ये कह रहा है कि मैं हुसैन पर रोने का हक अदा नहीं कर सका, इसलिए कि इस रोने की कीमत क्या अहले बैत ने चुकाई है ये आप जानते नहीं। क्योंकि जब जब भी सकीना रोई है तो सकीना को तमाचे ही मारे गए, जब जब भी ज़ैनब रोई है तो ज़ैनब को ताजियाने ही लगाए गए। बस एक वाकया पढ़ूंगा और रहमत तमाम कर दूंगा। यहां तक के बच्ची की जब रोना चाहती थी तो रोने नहीं दिया गया, प्यास एक हद तक कमाल तक पहुंची हुई थी, बाबा की याद थी जो बार बार बच्ची को तड़पाती थी कि रोना शुरू हो, मगर रोने नहीं दिया जा रहा था। इस कश्मकश में थी ये मासूमा। हुसैन जिसे सबसे ज्यादा चाहते थे, सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते थे, इसके कैफियत और ये जो जिक्र की अहमियत को मौला से आप पूछिए। जनाब अब्बास के बाद कमर टूटी है इमाम हुसैन की, खैमों में खून भरा एक आलम आया है, खून भरा आलम आया है, तो सबसे ज्यादा रोने वाली जो बच्ची थी वो सकीना थी। सबसे ज्यादा खैमों में जिसकी चीखें बुलंद थी वो सकीना थी, और बार बार एक जुमला कहती थी, बच्चों मेरा चचा वापस नहीं आया, तुम्हें पानी मिल नहीं सकता। और एक बीवी ज़ैनब थी जो कह रही थी, पता नहीं बीवी और पर्दा सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए कि मेरा सक्का वापस नहीं आया। दाढ़ी के जुमले ये हैं कि एक छोटा शहजादा था, वो खैमे में अपनी माँ के पास हाथों को जोड़ कर आया और आने के बाद में कहने लगा कि अम्मा ये आखिर सकीना बार बार बिलक बिलक के क्यों रो रही है, ये सकीना इतना गिरिया क्यों कर रही है। माँ ने छोटे से बच्चे को एक बात समझाई, बेटा सकीना इसलिए रो रही है कि सकीना को अब यकीन हो चुका है कि अब हुसैन मारे जाएंगे। क्या अब हुसैन मारे जाएंगे? अम्मा वो कैसे? इसलिए कि बेटा जब लश्कर का आलमदार मर जाता है तो फिर लश्कर के सरदार की बारी आती है। जब लश्कर का आलमदार मर जाता है तो लश्कर के सरदार की बारी आती है। भाई इतना बच्चे ने सुना एक पंतवा नन्हे हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में कहा, अम्मा अगर कोई इस वक्त भी आलमदार बन जाए तो क्या सकीना रोना छोड़ देगी? रब्बना तक़बल मिन्ना।